हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रो फॉर्मुलेशन या फिर ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने विल्किंसन रिएक्शन पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये सारी रिएक्शन का डायरेक्टर सिंथेसिस मैकेनिज्म स्ट्रक्चर यही सब पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म या फिर सिंथेसिस। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ एल्किन विथ CO कार्बोनिल एंड हाइड्रोजन कैटलाइज बाय CO रोडियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स टू फ्रॉम एल्डिहाइड। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसी चीज़ को यहाँ पे रिएक्शन में बताया गया हो। ठीक है, एल्केन है जिसके रिएक्शन करेंगे इसके साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, फाइनली एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, यह इसका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं इसको। हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है, मैकेनिज्म क्या होता है, दिखने में काफ़ी लॉन्ग लगता है बट होता कुछ नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहता है और हल्का हल्का कुछ कुछ उसमें चेंजेस आते रहता है, कभी एडिशन हो जाता है, कभी एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा टफ रहता नहीं। तो इसमें भी है, इसमें क्या है, तीन कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तीन कार्बोनिल ग्रुप है, एक कोबाल्ट है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। जब इसका एल्किन से रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है, एल्किन आके इधर जुड़ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोजन जो है स्ट्रेट हो गया ऐसा था और साथ में एल्किन आके जुड़ गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन होता है। ठीक है, इंसर्शन का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल पे अपलोड है, देख लेना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो। अगर आप लोगों ने इंसर्शन का वीडियो नहीं देखा होगा तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा कि 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो अपलोड है, एक बार देख लेना, बहुत ही ईजी वे में है, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसा हो जाता है। ठीक है, बाकी एज इट इज होगा, 1-2 माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और कार्बोनिल ग्रुप जाके जुड़ता है, यहाँ पे तीन है ना, तो चौथा आके जुड़ जाता है और ये स्ट्रेट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। मैं आप लोगों को बताया ना कि दिखने में लॉन्ग लगता है बट होता कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी जुड़ता है कभी निकलता है। ठीक है, देन माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, इसमें क्या है, कोबाल्ट है, चार कार्बोनिल आपस में जुड़े हैं, 1-2-3 चौथा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH2 R। ठीक है, एज इट इज़ कुछ नहीं हुआ है। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आके इधर जुड़ जाता है। ठीक है, बाकी तो एज इट इज़ है, तीन कार्बोनिल। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, देन लास्ट में हमको फाइनली एल्डिहाइड फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हाइड्रो फॉर्मेशन और ऑक्सो प्रोसेस का। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लेना और बहुत ही ईजी है यार इसका मैकेनिज्म, बुक में भी अगर आप ढूंढेंगे ना तो ऐसी ही टाइप मिलेगा, देख लेना फिर भी एक बार बुक, अगर आपको ईजी मिलता है इससे भी ईजी तो आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है तो आप लोग कोशिश यही करना कि इजी सिंथेसिस देखना ताकि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। ओके, अगर ये वाला सिंथेसिस याद है, अच्छा लगता है तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।